हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल देवप्रीत पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मोड निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपली लिखा हूँ हाउ टू फाइंड मोड। आपको दिया हुआ है मार्क, क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10 के बीच में, कितना स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है। उसी तरह से 10 से 20 के बीच में 8 स्टूडेंट है, 20 से 30 के बीच में 12 स्टूडेंट, 30 से 40 के बीच में 7 स्टूडेंट, और 40 से 50 के बीच में कितना है स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग किस प्रकार से मोड निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मोड निकालने के लिए एक हम लोगों का फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ। जो हम लोग जो मोड निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है एल प्लस क्या होता है दोस्तों, एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड बाय 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू आई होता है, ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, इन सभी का मान को हम लोग निकालेंगे कि f1 क्या है, f नॉट क्या है, f2 क्या है, ठीक है, i क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन इंटरवल DIFFERENT डिफरेंट बिटवीन इंटरवल इंटरवल, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन जो इंटरवल होता है उसको हम लोग i से डिनोट करते हैं, जो यहाँ पे i लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्या होता है देखो, वो ये होता है कि जीरो से दस के बीच में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 10 से 20 के बीच में कितना है, 10 का डिफरेंस है। 20 से 30 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल हुआ वो कितना हो गया, हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा मार्क दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, हम सिंपली हम लोग कॉलम वाइज हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपली इस प्रकार से। हमारा जो मार्क्स है, जो है स्टूडेंट का आया हुआ है, हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 0 से 10 के बीच में कितना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और 40 से हमारा क्या है 50, कुछ इस तरह का है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट देखिए कितना है इसमें, 0 से 10 के बीच में कितना दिया हुआ, 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद 8 है, 12 है, 7 है, उसके बाद 2 है, ठीक। अब देखिए, अब सबसे पहली बात कि इसमें से कौन F1 है, कौन F नॉट है, कौन F2 है। देखो, इनमें से आप सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखो तो यहाँ से 3, 8, 12, 7 और 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये 12 है। तो ये जो 12 है इसको हम लोग क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। जो हाईएस्ट फैक्टर रहता है उसको क्या मानेंगे, हम लोग F1 मानेंगे, ठीक है। और इससे जो ऊपर वाला संख्या है, जैसे 8 है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, F0, ठीक है। और इससे जो नीचे वाला संख्या है इसको आप क्या मान सकते हो, F2, ठीक, कुछ इस प्रकार। अब देखो, अब यहाँ पे L है, ठीक है, तो L जो है हम किसको मानेंगे, जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू का जो इंटरवल है 20 से 30 इंटरवल है हमारा, इसका जो लोएस्ट वैल्यू है ये 20, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग इसको L मानेंगे, ठीक। तो देखिए, हमारा L भी निकल गया है, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, F0 भी आ गया और I भी आ गया। अब सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पोट करेंगे, तो देखो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, मोड मोड इक्वल टू L, L का मान कितना है हमारे पास, 20 है, तो इसको मैंने यहाँ पे 20 लिख देता हूँ प्लस, ठीक है। F1 का मान कितना है 12 माइनस F0 का मान कितना है 8, ठीक है, डिवाइड बाय 2F1, मतलब कितना हो गया 2 इंटू F1, F1 का वैल्यू कितना है 12 है, तो आप यहाँ पे 12 सिंपली लिख दो, ठीक है, आप सिंपली 12 लिख दो। उसके बाद माइनस F0 है, F0 का मान कितना है 8 है, 8 लिखो। माइनस F2 का मान कितना है 7 है, आप यहाँ पे क्या लिख दो, 7 लिख दो, ठीक है। इनटू आप क्या है, I का मान कितना है, देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 10 लिखो, ठीक है। तो आप सिंपली इसको आप क्या करो दोस्तों, सॉल्व करो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो मान निकल के आया वो कितना आएगा, 24.44। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले 12 में से 8 घटाना 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 12 दुना 24, 24 में से आपको 15 घटा देना है, ठीक है। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करके 20 जोड़ देना है, तो आपको कितना निकल जाएगा, 24.44 आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मोड को निकालते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।